क्लास इस जगह मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ एडजस्टमेंट्स में करने के लिए, और पूरी कोशिश करता हूँ कि इनडायरेक्टली को डायरेक्टली से अलग कर सकूं कि एडजस्टमेंट में किस तरह से गिवन है। तो जैसे आप टॉप पर देख रहे हैं कि हमारे पास है न्यू अमाउंट नॉट गिवन डायरेक्टली, तो इस जगह पर जब भी अगर क्वेश्चन गिवन है कि न्यू अमाउंट जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब होगा इनडायरेक्टली गिवन है। और अगर वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है तो इस जगह पर हमें लगता है कि आपको टू टर्म्स समझने चाहिए। सेंटेंस में टू वर्ड होंगे, एक तो टू होगा टी ओ टू, और जब टू नहीं होगा तो नॉर्मली बाई टर्म दिया हुआ होगा, तो टू और बाई सेंटेंस में गिवन होगा, ये इसके की वर्ड्स हैं। इनको आप समझिए कि ये बेटा की वर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को आपको रिवैल्यूएशन के लिए समझना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक में क्या है, हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास एक ओल्ड बैलेंस शीट है और ओल्ड बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि सिर्फ हम एक ही टॉपिक को कर रहे हैं एसेट्स के ऊपर। इस एक्सट्रैक्ट में मशीनरी की वैल्यू गिवन है 1 लाख, ये तो पार्ट ऑफ बेसिक हो गया, मतलब क्वेश्चन का पार्ट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे कि इसका इफेक्ट आपको बताते हैं कि अगर टू यूज होगा तो न्यू बैलेंस शीट में कैसे है और फिर बाय बाय यूज। अब देखिए अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इनडायरेक्टली के केस में आपका कीवर्ड गिवन होता है टू होता है और बाय गिवन होता है। तो जिस समय भी अगर टू गिवन है तो टू का कैसे सेंटेंस होगा, मशीनरी इंक्रीज टू 1,20,000। इसका मतलब हुआ कि मशीनरी को आप 1,20,000 तक इंक्रीज कर दीजिए। बहरहाल मेरा मेन रीजन है कि आपको बताना कि अगर टू दे रखा है, अगर पॉइंट में टू गिवन हो तो ऐसी कंडीशन में इंक्रीज टू 1,20,000 है, ऐसे डिक्रीज टू भी हो सकता है, तो डिक्रीज में वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इंक्रीज टू 1,20,000 का मतलब होता है कि ये अब न्यू वैल्यू गिवन है और इस न्यू वैल्यू को आप डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये देखिए जो वैल्यू है वो न्यू बैलेंस शीट में सीधे सीधे चली जाएगी, इट मीन दिस इज द न्यू वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन में हम फिर रिवैल्यूएशन में कैसे करें, तो रिवैल्यूएशन में मैंने आपको टर्म बताया था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि हम मशीनरी की बात कर रहे हैं और मशीनरी हमारा इंक्रीज कर रहा है और हमको पता है कि मशीनरी इंक्रीज करेगा तब वैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, तो इसलिए वैल्यूएशन का सिर्फ क्रेडिट पोर्शन लिया है। इधर की तरफ डेबिट पोर्शन होना चाहिए था मगर उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको अलग किया कि आप सिर्फ फोकस कर सके, इस फोकस को आप सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए डालिए, और क्रेडिट जो है वो रिवैल्यूएशन में होगा एसेट्स का, और क्रेडिट कब होता है जब एसेट्स आपकी इंक्रीज कर रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो अब आपके पास जो न्यू वैल्यू है वो 1,20,000 है, देखिए, और न्यू वैल्यू है 1,20,000 और उसी में से 1 लाख को आपको माइनस कर देना है जो ओल्ड वैल्यू है। ऐसी कंडीशन में अब आपके पास सीधे सीधे डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। सरल भाषा में हम कहें तो जब भी टू टर्म गिवन हो तब आपको डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप उसको कैलकुलेट करेंगे और तब इवैल्यूएशन में शो करेंगे, और जब बाई टर्म यूज हुआ हो तब आपको डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है। इस बाई का मतलब ही होता है कि ये डिफरेंस है और इसी वैल्यू को इवैल्यूएशन में सीधे ले जाना है। तो यहां पर देखिए अगर इस जगह बाय वर्ड यूज होता तो कैसे यूज होता, तो लिखा होता इंक्रीज बाय, ऐसे टर्म होता मशीनरी इंक्रीज बाय ₹25,000, तो बाय आपको कीवर्ड पकड़ना है बाय। अगर सीधे बाय वर्ड यूज हो रहा है तो ये वैल्यू डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में चली जाएगी। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देना है बाय मशीनरी 25,000। तो इसका मतलब मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली कब लेकर जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट, जब कीवर्ड बाय दे रखा हो, और जिस समय आपके पास टू गिवन होगा तो इसका मतलब है कि ये न्यू बैलेंस शीट की वैल्यू है और आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या समझे आप लोग कि कब आप डिवैल्यूएशन के लिए डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, करेक्ट, जब क्या गिवन हो, कीवर्ड बाय।
बाय में रिवैल्यूएशन का डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ही आप वैल्यू रिवैल्यूएशन लिख देंगे। तब स्टूडेंट्स के मन में बात आती है फिर सर न्यू बैलेंस शीट में क्या करना चाहिए। बहुत आसान है, अब आपको ओल्ड वैल्यू पता है कि 1 लाख है और न्यू वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मशीनरी जो आपके पास ऑलरेडी थी ओल्ड वो देखिए 1 लाख की थी और ये इंक्रीज कितने से कर दिया 25,000 से। तो ऐसी कंडीशन में न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू 1,25,000 हो जाएगी। यहां पर सिंपली आपको मैंने 2 ट्रिक्स दी हैं, एक ट्रिक मैंने आपको टू और बाई के लिए दी है और एक ट्रिक मैंने आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्मॉल चार्ट करके निगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए दिया है। मैं फिर यहां रिपीट करना चाहूंगा कि कीवर्ड ये आपका 2 है और इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 हो तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए और अगर बाई वर्ड हो तो नहीं करना है, 2 का आइटम डायरेक्टली बैलेंस शीट की तरफ मूव करेगा। और बाई का देख लीजिए यहां पर कि जब बाई वर्ड यूज हो रहा है तो वाई का वर्ड सीधे सीधे रिवैल्यूएशन में जाता है और बैलेंस शीट में नहीं जाता है वो टर्म, और अगर 2 वर्ड लिखा है तो 2 वैल्यू डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाती है और इसके लिए रिवैल्यूएशन में आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। बीच में मैं आपको कुछ और भी टर्म्स हैं उनके ट्रिक्स बताता चलूंगा जिससे कि इजी हो जाए। सो स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करके बताए जाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ एडजस्टमेंट्स लिए हैं। एडजस्टमेंट्स को बेसिकली समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट इवैल्यूएशन से किस तरह रिलेटेड है। इनको मैंने 3 गिवन कंडीशंस में रखा है 1, 2, 3। ये 3 कंडीशंस स्पेसिफिक वे से बनाई गई हैं जिनसे कि आपको काफी इजी लगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट। इस कंडीशन में जो फर्स्ट गिवन कंडीशन ली है उसमें एसेट्स को बेस रखा है, एक एसेट्स ले लिया है जो कि मशीनरी है और इस मशीनरी पे 10 एडजस्टमेंट्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन बोर्ड्स में आई हुई है उनको ही बेस रख करके एक्सप्लेन किया है। अब आप कह सकते हैं कि सर सिर्फ एसेट्स या लायबिलिटीज नहीं, तो बेटा एडजस्टमेंट्स एक बार आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आप उसी जगह टर्म पे एसेट्स की जगह पर्टिकुलर लायबिलिटीज रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन स्पेसिफिक वे से प्रोविजन और सन्डरी डेटर्स के ऊपर ली हुई है कि जिस समय बैलेंस शीट के अंदर गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज वेल एज डेटर्स और उससे रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स जैसे आपको गिवन है कि कब इंक्रीज है और कब डिक्रीज है, तो इसका इंपैक्ट हम लोग कंडीशन नंबर 2 पर करेंगे, ये स्पेसिफिक कंडीशन 2 इसी के लिए। और फिर इन दोनों से जो बच जा रहा है कॉन्सेप्ट वो हमने 3rd गिवन कंडीशन में लिया है और वो जनरल केसेस है जिस समय कुछ रिकॉर्डेड एलिमेंट्स भी हैं और अनरिकॉर्डेड भी एलिमेंट्स होते हैं, इनके ही बेस पर लेकर के न्यूमेरिकल टर्म में आपको एक्सप्लेन करा है। अब देखिएगा क्लास, मैंने यहां पर कंडीशन जो ली है वो फर्स्ट कंडीशन ली है, इसी तरह मैं प्रैक्टिस करवाते हुए आपको और कंडीशंस पे एक्सप्लेन करूंगा। इस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है और ओल्ड बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू गिवन है 1 लाख रुपीज। इसके ऊपर इस फॉर्म पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। एडजस्टमेंट्स के लिए मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 1,20,000, मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 20,000, मशीनरी बी वैल्यूड एट रुपीज, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यू, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय मशीनरी, बाय मीन परसेंटेज, मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड, मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड परसेंटेज, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड, मशीनरी इज एप्रिशिएटेड, लास्ट में अनरिकॉर्डेड मशीनरी फाउंड। अब इन एडजस्टमेंट्स को मैं आपको समझाता हूं, इसमें से जो ये 1 से लेकर 10 तक दे रखी है, इन 1 से लेकर 10 पे केस नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, फिर से बोल देता हूं 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, ये जो कंडीशंस है इसमें हमेशा एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट वैल्यूएशन में यही आएगा और बैलेंस शीट में यही आएगा। अब कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप मेंशन करोगे बाय मशीनरी, तो बाय मशीनरी का मतलब है कि यहां पर जो इंपैक्ट है वो इंक्रीज इन एसेट्स लिया जाएगा।
और जो इंक्रीज इन एसेट्स है उसको आप क्रेडिट पे मेंशन करते हो। एंड बैलेंस शीट में अब न्यू वैल्यू जो आपको शो करनी होगी उस ये मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, इसलिए पर्टिकुलर एसेट्स लायबिलिटीज इन सब पार्ट पे नहीं ले रहा हूं। तो यहां पर एसेट्स ना होने पर सीधे मशीनरी और आउटर कॉलम में 1,20,000 आपके दिमाग में विजन डालना है कि यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज से लेकर के रिवैल्यूएशन के केस में क्या हो सकता है। तो एक विजन रखिए कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट का कंटेंट गिवन होगा, बाकी दो आपको सॉल्व करने होंगे, बाकी दो का मतलब रिवैल्यूएशन एज वेल एज बैलेंस शीट। तो अगर रिवैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट होगा और बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सर इतने ढेर सारे केसेस दे दिए और सबका एक ही इंपैक्ट, देखिए वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं कि वैल्यूज कैसे आएंगे। फर्स्ट केस पे गिवन है आपके पास मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड 2,20,000। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस दे रखा हो तो उसमें की फैक्टर पकड़िएगा। तो की फैक्टर यहां पर देखिए क्या लिखा है, मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड टू, तो यहां की फैक्टर क्या हो गया टू। और मैंने आपको बताया था कि जब भी टू दे रखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये न्यू वैल्यू होती है। यहां पर आप डायरेक्टली नई बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पर देखिए 1,20,000 न्यू बैलेंस शीट में 1,20,000 चला गया। तो इस एडजस्टमेंट में आपको न्यू वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। यहां पर कैसे कैलकुलेट करना बताया था, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो फर्स्ट केस के लिए आप ये कंडीशन ले लोगे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 1,20,000 और ओल्ड वैल्यू कितनी गिवन है 1,00,000। इसका मतलब डिफरेंस आपका इंक्रीज आ रहा है। तो फर्स्ट ट्रिक में चार्ट मैंने दिया था उसको भी ध्यान दीजिएगा कि अगर इंक्रीज आ रहा है तो क्या करेंगे। तो इंक्रीज के केस में आपने इसको क्रेडिट कर दिया। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन किस केस का, केस नंबर 1। ऐसे ही 2, 3, 6, 7, 9, 10 का भी यही इंपैक्ट होगा, एंट्रीज यही होंगी, मगर कैलकुलेशन अलग होगी, वो आपको समझना है। तो स्टूडेंट इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंदी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।